नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह से हमने कट किया है, 14.5 इंच लंबाई रखी है, डबल फोल्ड करके 10.5 इंच, शोल्डर 6 इंच, आर्महोल भी 6 इंच, गले की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। आप अपने हिसाब से अगर कम रखना चाहते हैं तो 2.5 इंच ले सकते हैं, थोड़ा सा इसे हम बढ़ा कर लेंगे। और इस तरह 10.5 इंच पर गले का निशान कर दिया। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए और बढ़ाएंगे, ऊपर से 3 इंच लेंगे और फिर 1-1 इंच पर मार्क करेंगे। पहले 0.5 इंच बढ़ाया और उसके बाद 1 इंच बढ़ाया, ऊपर से 3 इंच छोड़ कर ये बढ़ाना है। तो इस तरह से निशान निकाल लिया, हमें ये निशान पूरा इस तरफ से भी निकाल लेना है। अब वहीं से हमने ये सीधा निशान इस तरफ निकाल लिया। अब कपड़े को लेना है और कपड़े की सीधी वाली तरफ इसको फैला कर रखेंगे इस तरह से। अब सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जो बाहर हमने ये देखिए जहाँ से ये कट लिया है 1 इंच का, वहाँ से सिलाई लगाएंगे। गले पर अभी सिलाई नहीं लगेगी, पहले ये पूरा कट यहाँ से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली यहाँ तक, अब इसे कट करना है। अब यहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे और इस तरह से इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए कट कर लिया। अब यहाँ पर 2 कट लगेंगे, इस साइड भी लगा देंगे। उसके बाद नीचे वाला जो साइड है उस पर पूरे पर कट लगाना है और ऊपर वाले साइड में नहीं लगाना है। उसको कट लगाने के बाद देखिए इस तरह से पलट लेना है। तो ये इसको इस तरह पलट लेना है। पलटने के बाद ऊपर से पूरे पर सिलाई लगानी है। तो पहले अच्छे से कपड़े को निकालते हुए इसको पलट कर सीधा करेंगे, फिर इस तरह सिलाई लगा देंगे। अब इसकी डिजाइन पूरी, ये कट पर जो डिजाइंस रहेगी उसे तैयार कर लेंगे, उसके बाद गले की कटिंग करेंगे। अभी ये डिजाइंस के लिए सिर्फ कट हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से सिलाइयाँ लगानी हैं। फिर हमने सिलाई लगा ली। अब देखिए डिजाइंस के लिए इस तरह से कपड़ा लिया है। अब इस पर हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको पलट कर सीधा करना है। अब इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये हमें पहले इसको सीधा करना है। तो ये देखिए इस तरह से पलट लिया। पलटने के बाद इस तरह से आएगा। अब इसमें हमें इस तरह से मोतियाँ डालनी हैं। अब पलटने के बाद इसकी चौड़ाई 0.5 इंच रहेगी, 0.5 इंच से थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं लेना है। छोटे साइज की ये बड़े होल की मोती ली हैं ताकि इसमें चली जाए, इतना हमें कपड़ा लेना है। और इस सभी में इस तरह से मोतियाँ डाल लेंगे और यही डिजाइन हम पूरे के लिए तैयार कर लेंगे। पट्टी पतली ही ली है, जिसकी चौड़ाई लगभग 0.5 इंच ली है। उसमें एक एक करके कट करने के बाद मोतियाँ डाल ली है। 2.5 इंच की कट कर लेना है, 1 इंच कट की चौड़ाई है और 0.5 इंच दोनों की तरफ से सिलाई के लिए। तो इस तरह लगा लेना है। पहले ये ऊपर वाले पार्ट पर पूरे पर लगा लेंगे और एक बराबर से लगाना है। तो इस तरह देखिए इसको लगाते जाएंगे। तो ये पूरे पर हमने लगा ली है। देखिए इस तरह लगाने के बाद अब इसको अंदर की तरफ से कर देना है, नीचे से कर देना है। और करने के बाद देखिए अब इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। बराबर से फैलाना है, एक जितना कट की चौड़ाई है बस उतना ही फैलाकर इस साइड से सिलाई डालनी है। तो इस तरह देखिए सिलाई लगाते जाएंगे और बराबर से इन्हें बना बना कर सिलाइयाँ लगानी हैं।
फिर देखिए इस तरह सिलाई लगा लेना है, बराबर से फैलाते हुए सिलाई डाल लेनी है इस साइड से भी। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, इस तरह ये डिजाइन हमारी यहाँ की तैयार हुई। अब हमें गले की कटिंग कर लेना है। अब आधा इंच देखिए यहाँ से लिया था, तो उतना ही छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है। निशान भी इस पर पड़ा हुआ है, वहीं से कट कर लिया हमने। ये देखिए इस तरह कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद अब हमें गले पर पट्टी लगानी है, पाइपिंग लगानी है। तो ये पाइपिंग पट्टी लेंगे और पाइपिंग लगा देंगे, तो गले पर पाइपिंग बनाएंगे। तो ये पट्टी हमने तैयार कर ली है। अब इस तरह से पाइपिंग बना देंगे, जैसे आप सिंपल गले पर पाइपिंग बनाते हैं उसी तरह से इस पर भी बना लेना है। तो ये हमने पट्टी लगा दी है। अब इस तरह पतली सी पाइपिंग निकालते हुए सिलाई लगाना है। तो ये पाइपिंग इस पर बना लिया। पाइपिंग बनाने के बाद अब नीचे की तरफ से मेन वाला फैब्रिक हमने थोड़ा बढ़ा कर लिया था, यहाँ पर फोल्ड कर देंगे तो पाई के लिए, चाहे तो अलग से भी पट्टी लगा सकते हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा लेकर फोल्ड कर देना है। अब हमें यहाँ से लेस लगाना है। ये देखिए इस तरह लेस लगा देंगे, गोल्डन लेस लिया है, और डिजाइन के नीचे वाली साइड से लेस को लगाना है। गले वाली साइड से पाइपिंग बनाई, इस वाली साइड से इस तरह से लेस हमने लगा दिया है। अब दोनों प्लेट्स इसका बना देंगे। ये हम दोनों प्लेट्स बराबर से डाल देंगे। तो ये डिजाइन गले का हमारे तैयार हुआ। अब इस पर लटकने इस तरह से रखेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा लिया है 4 इंच का चौकोर कपड़ा, और इस तरह से लाइनिंग वाला भी इसी साइज का लेना है और सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा कट लगा, लाइनिंग वाले कपड़े पर कट लगाया पलटने के लिए। इस तरह इसको पलट लेंगे, मेन वाला फैब्रिक पर नहीं लगाया है, सिर्फ लाइनिंग वाले पर लगाते हुए इस तरह से हमने इसको पलट लिया। अच्छे से पलट लेना है, उसके बाद एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब इस पर भी हमें लेस लगा लेना है, तो इस तरह से लेस लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से लेस लगा दिया। अब इससे हम लटकन बनाएंगे, लेस लगा लेंगे, फिर इस तरह से देखिए लटकन बनानी है। एक हमने बना ली है। अब देखिए इस साइड से भी इस तरह से बनानी है। यहाँ पर अब कपड़े को भी कट कर लेंगे थोड़ा सा, और इस पर डबल रखेंगे। एक बना ली नीचे की, अब देखिए इस तरह से इसके ऊपर वाली इस तरह बनानी है। इसी तरह से नीचे वाली भी बनाई और ये भी बनाना है। 2 सिलाइयाँ डालनी हैं। देखिए पहले इस तरह बराबर करके सिलाई डाल देंगे, फिर इस साइड से। तो सिलाई